आपको सीए एजुकेशन अगेन। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि सीए सीपीटी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के पार्ट टू अकाउंट्स की। और अकाउंट्स के इस पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 31, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं, एबीसीडी इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, दे चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 2:2:1:1। ओके, सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ डी, बस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, इस डी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं ओल्ड शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से आप नया शेयर घटा दोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि जो डी है उसका इक्वल पार्टनर है तो उसका शेयर क्या होगा 1/4, और नए वाला शेयर उसका क्या हो गया 1/6। तो 1/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/12, और वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। सी एक नया पार्टनर कितना फर्म में एडमिट हुआ और ए ने अपना 1/3 हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया और बी ने 1/4 सैक्रिफाइस कर दिया सी के फेवर में, तो आपको नया पीएसआर निकालनी है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, आपको सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन काफी सिंपल है ये वाला, आप लोग हमेशा याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए कि एक पार्टनर ने, दोनों जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने अपना कुछ हिस्सा शेयर किया और सी नए पार्टनर के, तो जो दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हिस्सा शेयर करेंगे उन दोनों को जोड़ के, या जितने भी पार्टनर है जो भी एग्जिस्टिंग फर्म के पार्टनर है वो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे उनको जोड़ के ही, उन दोनों को जोड़ने के बाद ही आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यही होगा। मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखाता हूं, तो सॉल्यूशन में देखिए, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन में अपनी, कि ए ने अपना 2/3 उसका हिस्सा था पुराना, उसमें से उन्होंने 1/3 दे दिया तो मैंने 1/3 निकाल लिया, फिर ऐसे मैंने बी का कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा ए और बी का सेक्रीफाइस का टोटल, बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने यही कर दिया इसमें, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा 2/15 जो कि ए ने शेयर सेक्रीफाइस किया था अपना, और बी का 3/20 जो कि बी ने सेक्रीफाइस किया था, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 17/60। याद रखें इसमें हमें पीएसआर निकालना है। तो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, नया वाला सैक्रिफाइस हटा दो पुराने में से, दिमाग लगाओ, सैक्रिफाइस अगर मैं पुराने वाले में से हटा दूं तो ए का मेरे पे नया हिस्सा आ जाएगा। देखो नीचे मैंने यही करा हुआ है, 2/5 उसका पुराना शेयर था, सॉरी ऊपर एक्चुअली देखो जो ए पार्ट है ऊपर ए का निकला हुआ सबसे पहले लाइन में, वहां 2/3 लिखा हुआ, गलती से 2/5 था। ठीक है, तो अब नीचे आ जाओ वापस, 2/5 में से 2/15 उसका सैक्रिफाइस लेस करा, इन सबको करने के बाद देखो ये आंसर आ जाएगा 16/60 और 27/60। ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉपरली बच्चों वाले तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। देखो आप एक एक स्टेप, एक भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है, जैसे बच्चे करते हैं वैसे करा हुआ एलसीएम सॉल्व। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 16:27:17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ए और बी पार्टनर है फर्म में, 500,000 की हर एक के पास कैपिटल है, सी पार्टनर ऐड हुआ 1/4 शेयर के लिए, 800,000 कैपिटल लाया है अपनी, फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कहता है 400,000 का पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है एडमिशन के टाइम पे, तो बताओ हिडन गुडविल की वैल्यू क्या होगी। अब इसका सॉल्यूशन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर 800,000 थी, इस हिडन गुडविल निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, नए पार्टनर जो कैपिटल लाए मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 शेयर के लिए लाया था उसको 4 से मल्टीप्लाई करते 800,000 को आंसर क्या आ गया 32 लाख। अब सारे पार्टनर कैपिटल जोड़ लो, 5 और 8 कितनी हो गई 18 लाख। अच्छा फर्म की वो क्या आ रही है, टोटल कैपिटल क्या आ रही है 32 लाख, मतलब झोल तो है, ये झोल ही हिडन गुडविल होता है। टोटल फर्म कैपिटल मैच करनी चाहिए टोटल पार्टनर कैपिटल से, अगर मैच नहीं करती तो जो भी हिस्सा बच रहा है वो हिडन गुडविल है। लेकिन आपको एक चीज में लेस करनी होती है, वो है इसमें आपको एक चीज लेस करनी पड़ेगी, वो है पीएल का क्रेडिट बैलेंस, अगर वो दे रखा है तो इस क्वेश्चन में दे रखा है हम उसे लेस कर देंगे। तो देख सकते हैं 32 लाख माइनस 18 लाख माइनस 4 लाख, आंसर आ गया 10 लाख, यही आपका आंसर था। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, हमें लगता है बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो एबीसी क्वेश्चन नंबर 34,
एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:5:2 में, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 50,000 कैपिटल है ए और बी की, और सी की 40,000 है। बी ने कहा कि मैं वो फर्म छोड़ रिटायर हो रहा है फर्म से, रिटायरमेंट के टाइम फर्म की गुडविल 30,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस हम रिवैल्यूएशन आपको बनाने को कहा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट दे दिया वो 5,000 है, और फर्म के पास एक रिजर्व अकाउंट है उसका बैलेंस चल रहा है अभी 15,000। तो आप बताओ हमें बी को कितना अमाउंट पे करना है। इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, हैंड रिटन सोल्यूशन दे रखा है साइड में। तो 30,000 की गुडविल है, उसके अंदर से बी का हिस्सा कितना बनता है 9,000, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 5,000, उसका हिस्सा कितना बनता है 1,500 रुपए बी का हिस्सा, और रिजर्व है 15,000, उसमें बी का हिस्सा कितना बनता है 14,000। तो टोटल देखो आप देख सकते हो 65,000 आ रहा है। कैसे? कैपिटल लेके जाएगा, गुडविल में से हिस्सा लेगा, रिजर्व अकाउंट में हिस्सा लेगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लेगा, सबका जोड़ोगे 65 आंसर आ जाएगा, ठीक है। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 35। अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ शेयर सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट पॉलिसी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और किसी रेशियो में शेयर ही नहीं कर सकते हो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। उसके बाद एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 2,40,000, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट्स, तो देख सा ये आंसर आपका दे रखा है, मैंने पहले से इंक्लूड कर रखा था इसके अंदर। तो सी का शेयर, सबसे पहले हम सी का शेयर निकालेंगे पूरे साल के प्रॉफिट में कितना होता है, 2,40,000 को 4/16 कर लो, जो उसका शेयर है 60,000, 60,000 पे फिर हम 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे और वो उसको दे देंगे। देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी एडमिशन के टाइम पे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों दिया जाता है, इसका रीजन बहुत लोगों को नहीं पता होता। इसका रीजन होता है बेसिकली ये कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं फर्म में वो काफी पहले से मेहनत कर रहे होते हैं, जो नया पार्टनर आया उसने प्रॉफिट बने हुए फर्म को एकदम से ज्वाइन कर लिया। कुछ 2-4 पार्टनर ने एक स्टार्टअप शुरू करा, काफी टाइम तक उसे लॉस में रन करा, तब के जाकर उसने प्रॉफिट कमाने शुरू करे। आज अचानक से 2 पार्टनर आएंगे और प्रॉफिट वाले फर्म में हिस्सा ले लेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो कहेंगे हम क्या पागल है, जो हमने इतने पहले स्टार्टअप शुरू करा, इतने साल इसको लॉस में चलाया, इतनी सैलरी दी थी, उसके लिए भी तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो जो नया पार्टनर एग्जिस्टिंग उस फर्म में ऐड होता है वो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लेता है। प्रीमियम फॉर गुडविल उन लोगों का हार्ड वर्क के लिए उनको दिया जाता है, इसलिए तो आप देखते हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल आता है तो उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं, रीजन उसके पीछे यही है, ठीक है सर। तो इसमें 15,000 आंसर हो जाएगा इसका, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, एबीसी पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग फर्म में, पीएसआर दे रखा है उन लोगों का 221, बी रिटायर होता है, फर्म की गुडविल थी 30,000, तो ए और सी उसे किस रेशियो में कंपेंसेट करेंगे। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का, हाँ तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस समय। तो बी का शेयर में गुडविल कितना जाता है, 30,000 पर 2/5 कर लो 12,000 रुपए, और 12,000 को वो 2 रेशियो में बांट लेंगे अपनी उस रेशियो में, तो 8/4,000 का रेशियो बनता है, ए आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 38 की बात करूं अगर मैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, सिंपल क्वेश्चन है अगेन। 39, आकाश विकास पार्टनर है, 60,000 ईच कैपिटल है, श्रीकांत एडमिट हुआ फर्म के अंदर न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के साथ, जो कि 80,000 रुपए एज अ कैपिटल लाता है, तो इन्फर्ड गुडविल निकालो। इन्फर्ड गुडविल का मतलब होता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बस इतना सा ही मतलब होता है इन्फर्ड गुडविल का। इन्वर्ट गुडविल एक्चुअली बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए ऐसे नहीं पूछ लिया, वैसे होता बड़ा इजी है ये। तो इसमें आपको बस क्या करना है कि 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनकी 60,000 कैपिटल है पुरानी वाली, तो 60,120, और नया वाला पार्टनर आया 80,000 रुपए लेके, बस 120+80 और 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 8,00,000, जो भी डिवाइड है 100 रुपए के शेयरों में, कोई कॉल सीन एरिया नहीं है फाइनल कॉल मंगाने तक, लेकिन फाइनल कॉल 77,500 शेयर पे आई, यानी कि 2,500 शेयर पे नहीं आई, पुराना क्वेश्चन है बहुत ही। और कॉल सीन एरिया की जो अमाउंट है वो है 67,500, तो बताओ 1 करोड़ उस अमाउंट पे कितनी। तो इसका सोल्यूशन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, अभी बस 67,000
67,500 रुपीस को डिवाइड करना है 2,500 शेयर से और हमें पर फाइनल कॉल का अमाउंट निकल जाएगा जो कि है 27। अब आप सोच रहे होंगे 2,500 रुपए शेयर आएगा से, आप लोग देख सकते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको कि देखो 80 लाख उसकी सब्सक्राइब कैपिटल है जिसमें 100 रुपए का एक शेयर है, तो 80,000 शेयर नहीं हो गए, 80,000 शेयर हो गए ना। अब 80,000 शेयर में से 70,500 पे फाइनल कॉल पे हुई है, यानी कि 2,500 शेयर पे नहीं हुई, इसलिए ऐसे तरीके से 2,500 आया था। अब बात करो 41 क्वेश्चन की, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इश्यूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ ठीक है। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन इश्यूड कैपिटल विल बी लेस देन सब्सक्राइब्ड, फॉल्स स्टेटमेंट। अनकॉल्ड कैपिटल में बी कन्वर्टेड इनटू रिजर्व कैपिटल, ट्रू स्टेटमेंट। कॉल्ड अप कैपिटल इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस देन कॉल सिनेरियो, ट्रू स्टेटमेंट। तो रिजर्व कैपिटल मींस, देखो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं उसको। कैपिटल रिजर्व वो होता है कि जब अपने शेयर फोरफीट करे, ठीक है, और उनको रीइश्यू करा, शेयर फोरफीट करे, रीइश्यू करा, रीइश्यू करने पे अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जो कैपिटल अभी तक इश्यू ही नहीं करी शेयर्स के लिए उन्हें कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल मींस पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल, ये है अनकॉल्ड कैपिटल। बाकी तो चार ऑप्शन दे रखे फालतू के, पहला ही आंसर है, इसलिए शैल वी मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ज़ेब्रा लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट करी 50,000 रुपए 50,000 शेयर, फॉर विच 2 रुपीज पर शेयर इज पेबल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर एंड 50,000 वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, एप्लीकेंट को 70,000 शेयर। तो 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है 80,000 शेयर की और 50,000 शेयर हम अलॉट कर सकते हैं प्रोडाटा बेसिस पे। तो एक्स को 200 शेयर अलॉट हुए हैं, तो इसको करने की बेस्ट ट्रिक क्या होती है कि जो भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, जैसे इस क्वेश्चन में 70,000 है, 70,000 को आप टोटल नंबर ऑफ शेयर जो भी अवेलेबल है प्रोडाटा बेसिस के लिए उससे डिवाइड कर दो 50,000 से, आपका आंसर आएगा 1.4 को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी शेयर अलॉट हुए, यानी कि 200, तो आपके पास आ जाएगा कि एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा। तो एक्स ने 280 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा और उसे हमने 200 शेयर दे दिए, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बना रखा मैंने इसलिए समझ लो यहीं से इसे, 280 शेयर दे दिए। अब उसके 80 शेयर फालतू थे, तो 80 × 2 = 180 × 2 = 160 रुपीज, 160 हमने उससे एक्सेस ले लिया, यही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़े 43 दो बार आई थिंक नंबर में मिसप्लेस है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में मिसप्लेस नहीं है, क्वेश्चन पूरे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, ये तो कंपनीज एक्ट में मेंशन है, मर्केंटाइल लॉ अकाउंट्स कहां कहां नहीं पढ़ा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है, नाउ वो हो गया क्वेश्चन नंबर 45। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं भाई, पैसा लेती है कंपनी उनसे, उधार लेती है पैसा। 46, डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी लोन, देन द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर एंटाइटल्ड टू, उसे इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ लोन की अमाउंट पे और किसी अमाउंट पे नहीं मिलता। तो पहले ही आंसर हो गया इसका ए वाला, ठीक है आगे बढ़े 46 47, अगर फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू होते हैं रिडेम्पशन के लिए तो वो कब शेयर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इफ फ्रेश इक्विटी शेयर वर इश्यूड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या है? तो सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही तो हम क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़े 48, पी लिमिटेड इश्यूड 20,000 12% डिबेंचर 10 का 1, ठीक है, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम 20%, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू रिटर्न राइट ऑफ एवरी डे, एवरी ईयर हो भाई, एवरी डे नहीं, सॉरी गलती से टाइपिंग गलत हो गई, एवरी ईयर होगा। हाँ तो इसका सॉल्यूशन बना हुआ है मेरे पास, आप लोग देख पा रहे हैं हैंड रिटन सॉल्यूशन बने हुए इस बार, कुछ कुछ एक के तो
एक्चुअली इसी वजह से मैं थोड़ा इस मोड में रिकॉर्डिंग करी क्योंकि हाइड्रोजन सॉल्यूशन थे मेरे पास इसके। तो एक बार देखो 5 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 20,000 × 10 × 12 20% प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं ना। अच्छा 20% प्रीमियम पे लौटाएंगे होने तो 10 पे इश्यू कर रहे हैं 20,000 × 10 2 लाख के, और वापस करने 2,40,000 क्योंकि 20,000 × 12 करेंगे अगली बार के लिए, तो 2,40,000 वापस करना है हमें। तो 40,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया 5 साल का, तो 1 साल का कितना हो गया 40,000 / 5 8,000 आंसर है। कितना आंसर है? डी आंसर है 8,000। 49 प्रेफरेंस शेयर 10 का एक है विच वर इशूड एट पार एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन इफ दे आर फुली पेड, क्योंकि फुली पेड प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है। ठीक है, AS22 deals with, अब ये questions AS के इस बार ICAI ने कैसे दे दिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ICAI यूजुअली कहता है कि वो CPT लेवल पे AS के सब कुछ पूछ लेता है लेकिन AS के नाम वगैरह नहीं पूछता। लेकिन आई थिंक ये बात है दिसंबर 2014 की, ICAI ने इसी तरह से मैच द फॉलोइंग्स करके एक क्वेश्चन डाला था और इस बार तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे दिया और कि AS बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर आपको 2-4 AS आते हों तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। लाइक अगर आपको AS याद करनी है उसकी छोटी सी ट्रिक बन सकती है। AS1 हमने पढ़ा हुआ है फुल डिस्क्लोजर, AS2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज, ठीक है, AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS22 फिक्स्ड एसेट्स, AS10 इस तरह से आप करके याद कर सकते हो कुछ ना कुछ ट्रिक व्रिक बना के, लेकिन वो सब IPCC के लिए काम आएगा अभी नहीं, ये सब IPCC की चीजें होती है। तो AS22 deals with accounting for taxes on income. See, 31 AS की लिस्ट है और आपको याद करनी CPT लेवल पे भारी पड़ती है। सो मैं वीडियो भी बना के इसमें कोई फायदा नहीं है मेरे को, फायदा नहीं आप लोगों को, कोई फायदा नहीं है मुझे, क्या फायदा आपको, कोई फायदा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसमें रटना ही है। लेकिन मैं इसकी कोई ट्रिक निकालूंगा, अगर मुझसे कोई ट्रिक अच्छी सी बन गई तो मैं इसके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 पहले, अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच डील्स विद प्रोविजन ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स। 29 AS, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है इसका नाम उसमें, और इसमें मैच दफा लिख दी थी AS की इन्होंने, ये सब बताओ। तो AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, AS26 इंटेंजिबल एसेट्स, AS27 का कहता हाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, और AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। अब इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या हो सकती है, जैसे मैं आपको पीछे बता रहा था AS कैसे याद करोगे, AS1 याद हो जाता है बच्चों को फुल अकाउंटिंग फॉर फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, AS2 इसका चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन्वेंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। AS6 इसका भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। AS26 डेप्रिसिएशन किस पे नहीं लगता, इंटेंजिबल एसेट। AS26 किस पे लगता है, AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। इस तरह से करके कुछ ना कुछ आप लॉजिक बना सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारी अकाउंटिंग, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आपने पढ़े भी होंगे उनका मतलब आपको समझ नहीं आएगा, तो लॉजिक क्या बना पाओगे। इसलिए मैंने कहा ये IPCC का चीज है, IPCC में भी पूरे AS नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा IPCC में भी किस लेवल से पूरे AS नहीं बढ़ाते एक बार में 31 के 31। आई थिंक ग्रुप 1 में 7-8 है और रिमेनिंग तो नहीं, और 9-10 ग्रुप 2 में है, बाकी सारे CA फाइनल में जाके आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू आउटसाइडर्स। तो चारों को देख लो, बैलेंस शीट आउटसाइडर के पास जाती है और आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है आउटसाइडर के पास। हाँ, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि न्यू वाले उसके हिसाब से जो नया फॉर्मेट चेंज हुआ है तो बैलेंस शीट वगैरह का। 56 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक्चुअली देखो आप लोगों को पता है ये पेपर डाउनलोड्स मैंने डाउनलोड किया है एक्सटर्नल वेबसाइट्स वगैरह से जो ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि CPT का पेपर ऐसे लीक तो होता नहीं है, तो उसमें इतने क्वेश्चन अवेलेबल थे इसलिए मैंने इतने का सोल्यूशन बनाया। अच्छा, BOD इन्वेस्टर सप्लाई, अब देखो हो सकता है और लोग भी इस वीडियो को डालें इस तरीके की बना के,
कुछ और लोग डालें, तो वो इसमें बिना फालतू के कुछ भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो कि फिर बच्चों के साथ तो मजाक करने वाली बात हुई ना। मैं कहने को इसमें चार क्वेश्चन ऐड कर रहे थे, मेरे को मैं कोई भी चार क्वेश्चन ऐड कर देता, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। अल्टीमेटली प्रॉब्लम आप लोगों को होती, वो चार क्वेश्चन पता नहीं अजीब से थे, आपको पता नहीं चलता मैं इसमें चार क्वेश्चन ऐड करता ऊपर से, बस सात क्वेश्चन हो जाते, आप लोगों का काम पूरा हो जाता। लेकिन क्यों ऐसे फिर खिलवाड़ करना बच्चों के साथ, साफ साफ बोलो जो सच है। अच्छा, इसके अंदर इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर बताने हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कोई खास मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। इस वीडियो को यही रोकना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।